हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आज ये वीडियो में बताने जा रहे हैं ऑनलाइन पेड एप्लीकेशन पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है। आज अभी पैन कार्ड अपने घर बैठे अपने एंड्रॉयड मोबाइल से ही बना सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, गूगल में सर्च करना है ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL। NSDL ओपन करके आएगा, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन टाइप न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A पर भरना पड़ेगा। अगर जो व्यक्ति नया पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा है उसको फॉर्म 49 भरना पड़ेगा। उसके बाद कैटेगरी इंडिविजुअल करना है, एप्लीकेंट का इंफॉर्मेशन देना है, जैसे टाइटल में श्रीमती कुमारी, जेंट्स है तो श्री लगाते हैं, लेडीज है तो श्रीमती या कुमारी लगाते हैं। उसके बाद अपना नाम भरना है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। जैसे मेरा नाम है मुन्ना, लास्ट नेम है गुप्ता, फर्स्ट नेम है मुन्ना और मिडिल नेम है प्रसाद। ऐसे अपना नाम भरिएगा, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ भरना है, डेट ऑफ बर्थ कॉलम पर क्लिक कीजिएगा तो एक कैलेंडर खुल के आएगा, उसमें ईयर 1990 या 95 जो भी है आप लिखिएगा। उसके बाद महीना, पांचवा महीना, मई, जून, जुलाई जो भी, उसके बाद डेट पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो ले लेगा कॉलम में। उसके बाद अपने ईमेल आईडी भरिए, मोबाइल नंबर भरिए। उसके बाद 22 NSDL के सबमिट का एक क्लिक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए और कैप्चा कोड का डालकर सबमिट कर दीजिए। आपका NSDL में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको है मिल जाएगा ईमेल के थ्रू या मोबाइल के OTP के थ्रू, ईमेल से आता ही है। उसके बाद से फिर ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। उसमें 5 स्टेप आएगा, गाइडलाइन, पर्सनल डिटेल, कॉन्टेक्ट अदर डिटेल एंड AO कोड डॉक्यूमेंट डिटेल। तो गाइडलाइन हम लोग को तो पूरा हो गया है जो अपने बारे में फिल कर दिए हैं। उसके बाद पर्सनल डिटेल में आएगा, उसमें पूछ रहा है कि सबमिट आपको पैन कार्ड कैसे बनाना है, आधार के थ्रू बनाना है, जो आधार पर फोटो सिग्नेचर है वही करना है या अपने से फोटो और सिग्नेचर डालना है। मान लीजिए हमको आधार के थ्रू ही बनाना है तो ऊपर वाला जो है उसको क्लिक कर देंगे, सबमिट डिजिटली थ्रू EKYC पेपरलेस। हमको कोई पेपर नहीं भरना है, कोई पेपर अपलोड नहीं करना है, आधार कार्ड के थ्रू बन जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद पूछ रहा है पैन कार्ड रिक्वायर्ड, आपको पैन कार्ड चाहिए, फिजिकली चाहिए, मतलब आपके घर पे आएगा। एक होता है कि आप पैन कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपको घर आएंगे तो वही घर पर बाई डाक से, बाई पोस्ट से आएगा, तो यस कर दीजिए। आपके पोस्टल एड्रेस है जो विलेज, पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट पिन कोड वगैरह डालकर भेजते हैं उस पर आपके घर पर डाक से आ जाएगा, यस कर दीजिए। फिर आधार का लास्ट डिजिट 4 अंक का उस पर लिखिए। और पूछ रहा है फोटो, जो आधार कार्ड पर आपका फोटो लगा हुआ है वही फोटो पैन कार्ड पर ही आएगा, यस करिएगा या नो, यस कर दीजिए। फिर नेम एज पर आधार, आधार में जिस तरह नाम है उसी प्रकार आप वही सेम स्पेलिंग अपना नाम लिखिए। उसके बाद फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट अपने आप आ जाएगा, जेंडर मेल या फीमेल चूज कीजिए, जैसे जेंडर मेल है तो मेल डालिए, फीमेल है तो फीमेल डालिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप दूसरे नाम से जाने जाते हैं या नहीं जाने जाते, नहीं जाने जाते हैं, नहीं डालिए, नो। पैन कार्ड पर माँ का नाम चाहिए या पिता का नाम चाहिए, पेरेंट का नाम, तो जनरली हम लोग पिताजी का ही नाम डालते हैं, पिताजी के नाम से सब कोई जाने जाते हैं, तो पिता का नाम पर यस कीजिए। और पिता का नाम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम डालिए। मदर का नेम ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, डालना हो तो डाल दीजिए, छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, ऑप्शनल है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद से
नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आएगा सोर्स ऑफ इनकम, आपका सोर्स क्या है। तो इसमें जनरली आप अगर बिजनेस या सैलरी लिखते हैं तो आपको कंपनी का डिटेल देना पड़ेगा, इसलिए उस पर लिख दीजिए नो इनकम। और एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, आपका एड्रेस कौन सा एड्रेस पर जाएगा, ऑफिस है या घर पर है, तो घर पर रेसिडेंस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद से कंट्री कोड इंडिया 91, इंडिया लिखिए कंट्री कोड में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद एरिया कोड एओ कोड रेंज एओ नंबर, नीचे इंडियन सिटीजन लिखा होगा इस पर क्लिक कीजिए। अपना स्टेट, जैसे भी स्टेट हमारा बिहार है, बिहार भर दीजिए। सिटी हमारा सिवान है, सिवान भर दीजिए। तो ऑटोमेटिक आपका एओ नंबर आ जाएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट पर डाल दीजिए। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, डिक्लेरेशन फॉर्म में हिम सेल्फ या हर सेल्फ लिख के आएगा, तो उसको क्लिक कीजिए। उसके बाद प्लेस, किस जगह से आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हम अभी सिवान से अप्लाई कर रहे हैं, सिवान मेरा सिटी है, तो सिवान लिख देते हैं। डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सबमिट कर दीजिए। उसके बाद लिख के आएगा योर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सबमिटेड। और उसके बाद 8 4 अंक का आधार नंबर तो हम लोग पहले भर दिए हैं, अभी 8 अंक का मांग रहा है, जो पहले से 8 है, तो 8 अंक का फिर भर दीजिए। भर कर और प्रोसीड का बटन दबा दीजिए। उसके बाद पेमेंट का मेथड आएगा, पेमेंट आपको कैसे करना है। 107 रुपया ऑनलाइन के मेथड से, ऑनलाइन बैंकिंग या डे या पेन, ये एटीएम कार्ड के थ्रू या पे फोन के थ्रू, जो भी साधन है आप उससे आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ई केवाईसी का आएगा, आधार नंबर से जो मोबाइल लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, उसको डाल के सबमिट कर दीजिएगा, आपका ई केवाईसी हो जाएगा। फाइनली आपका ई सबमिट हो जाएगा। उसके बाद से एक रेफरेंस नंबर आपको मिल ही गया, रजिस्ट्रेशन नंबर, उससे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और 10 से 15 दिन के अंदर आपका बनकर आपके एड्रेस पर आ जाएगा, नहीं तो आप डाउनलोड भी, ई पैन कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं एनएचडीएल पोर्टल से। ये थी जानकारी, हम लोग अपने एंड्रॉयड मोबाइल से पैन कार्ड बना सकते हैं। कोई भी जानकारी हम वीडियो के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू हम देते हैं आप लोग के लिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।